आज हमारे पास देखिए यहाँ पर तीन प्रकार के ड्रिल रखे हुए हैं, जो कि इसमें एक है स्क्रू ड्राइवर, ये दो प्रकार की ड्रिल मशीन है, जिसमें कि ये वाला स्क्रू ड्राइवर प्लस ड्रिल दोनों है, जो कि ये कोर्डलेस है, और ये वाला जो है वो कोर्डेड है। अगर आपके पास कम पैसे हैं, आप बार बार उसे लगाना नहीं चाहते और आपका काम भी बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, तो आपको कौन सा लेना चाहिए, आपको लिए कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर ये कोर्डेड मिल जाता है, जो कि काफ़ी भारी होता है। ये देखिए फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई का मैंने परचेज़ किया था लगभग 22 में, तो ये 2 साल पुराना हो चुका है लगभग, तो ये काफ़ी अच्छा अभी चल रहा है, वर्क कर रहा है। आज मैं इसमें बताऊंगा कि आपको स्क्रू के लिए काम देगा या नहीं। इसमें देखिए रिवर्स फॉरवर्ड का दोनों इसमें फंक्शन दिया गया है, लेकिन ये जो है सही काम देता है या नहीं स्क्रू के लिए, आज मैं इससे भी आपको स्क्रू टाइट करके दिखाऊंगा। जैसे मैं इसे प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, स्क्रू के लिए एकदम सही नहीं है। यहाँ दूसरे नंबर पर हमारे पास ये है, जो कि मैंने लिया था गोल्ड मैक्स का, जो कि वैसे तो होते हैं सब चाइनीज़, बस ये लोग अपना स्टिकर लगा के अपना नाम वगैरह चेंज कर देते हैं। तो इस मॉडल का आपका जो भी देखे, ईनान का देखे या फिर JPT का देखे, समझ लीजिए यही है, एक ही चीज़ होता है, बस सिर्फ उसका मॉडल नंबर वगैरह चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से नाम वगैरह लगा के। तो ये भी मुझे काफ़ी सस्ते में पड़ा था, वैसे मैं सस्ते प्रोडक्ट ही लेता हूँ, महंगे नहीं लेता हूँ। देखिए ये क्या है कि इसमें नीचे एक 12 वोल्ट की बैटरी लग जाती है, यहाँ पर इन्होंने 16 वोल्ट लिखा है, जो कि वैसे ही इसमें 12 वोल्ट की बैटरी है। साथ में इसके आप डबल इसमें मिल जाता है ऊपर गियर का सिस्टम, जिसमें कि अभी ये 2 नंबर हो गया है, इसमें करेंगे तो 1 नंबर हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप 1 नंबर में इसकी स्पीड कम हो जाएगी, टार्क ज़्यादा मिल जाएगा। इसमें आप स्क्रू वगैरह टाइट करने के लिए ये रिकमेंड करते हैं, तो आप इससे भी स्क्रू टाइट कर सकते हैं और सेकंड से भी, उससे कोई मतलब हमें नहीं पड़ता है। हमें बस ये देखना है कि टार्क हमें चाहिए या स्पीड चाहिए, दोनों में से बस हमारी ज़रूरतों के हिसाब से, तो हम इसे भी ट्राई करके देखेंगे आज। और ये सबसे छोटा, इसमें आपको 30 न्यूटन मीटर का टार्क मिल जाता है, लेकिन ये जो है इसमें आपको 3.5 है, इसमें 3.5 न्यूटन मीटर का टार्क इसमें मिलता है। और ये काफ़ी छोटा मशीन है, ये बहुत ही पुराना है, मैंने 2019-20 के आसपास से मैंने लिया था ये मशीन, बहुत पहले से मेरे पास है। देखिए इसमें LED भी जलती है और इसमें लेफ्ट राइट दोनों आप कर सकते हैं, बीच में स्पिंडल लॉक भी है, सिर्फ यहाँ पर LED जलेगी, बाकी ये सब लॉक रहेगा। इस वाले मशीन के साथ थे ये वाले होल्डर वगैरह लग जाते हैं, तो इस वाले मशीन से भी, मतलब एक ही स्क्रू को मैं तीनों मशीन से कस के दिखाऊंगा कि पावर कितनी है इसमें। ये वाली मशीन मेरी धुआं निकाल दी थी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जली नहीं है अंदर से, लेकिन धुआं निकाल दे रही थी, मतलब ज़्यादा अगर आप लोग प्रेशर इसे देते तो वो जल जाती। तो ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा सामने, पूरा लाइव प्रैक्टिकल। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हमारे पास देखिए लगभग 1 इंच के पास ये लकड़ी है, ये महुआ का लकड़ी है। अभी मैं इसमें एक होल की तरह मैं इसी पर रख के इसे कसता हूँ, देखता हूँ कि कितना जाता है। आपको भी थोड़ा देखिए, ये भी मुझे देखना है इसमें। इस मशीन का बस इतना ही ताकत है, देखिए कितना अंदर घुसा है, पूरा स्क्रू लगभग बाहर ही है, बस थोड़ा सा स्क्रू इतना सा अंदर गया है। 8 mm का स्क्रू है, तो हमें थोड़ा सा इसे स्पीड दे देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि ये कितना जल्दी से कस पाता है या फिर इसका क्या हाल होता है। वैसे ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसे आप ट्राई मत कीजिएगा घर पर। इसको आपने देखा कि ये कितना तेज अभी झटका मारा है, क्योंकि वैसे गलती मेरी थी कि इसमें मैंने वॉइस से फिक्स नहीं किया था, अगर इसे मैं कहीं फिक्स किया रहता तो। लेकिन देखिए कि ये कितना प्रेशर से मार रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी झटका लग जा रहा है और स्क्रू भी काफ़ी गर्म हो गया है। इतना स्क्रू को अंदर डाला है, ये पूरा भी स्क्रू को अंदर डाल देगा, क्योंकि इस मशीन में बहुत ज़्यादा पावर है, 750 वाट की मशीन है, तो बहुत ज़्यादा इसमें पावर है। लेकिन इसकी पावर तब निकलती है जब इसका RPM 7 होता है, यानी कि अगर ये 2900 RPM है तो इसकी पावर तभी होगी जब 2900 RPM पूरा ये घूमेगा। अगर यदि आप सोचते हो कि 300-400 RPM पर हम पूरा लोड इसका टार्क ले लें तो नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ये मशीन, जैसे देखिए जैसे मैं इसको पकड़ लेता हूँ, ऐसे देखिए ऐसे घूम रही है, इतना मैं इसे ऐसे पकड़ लेता हूँ, देखिए रुक गई, देखिए
मैं पकड़ ले रहा हूँ तो रुक जा रही है, और इसमें से स्मेल भी आ रही है जलने की, क्योंकि ऐसे मोटर ख़राब भी हो जाती है, तो इसलिए इस मशीन से आप यूज मत कीजिएगा। तो अभी मैंने यहाँ से खोल लिया, अब यहाँ पर देखिए लगाने जा रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर देखिए मैंने इससे भी लगाया, तो इससे भी काफ़ी आसानी से लग गया है। इसमें दोस्तों ये होता है कि इसमें आपको थ्रोटल कम भी, देखिए इसमें ये वाला अटक गया है, तो देखिए ये पूरा चला गया। मैं इसको ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस बार से निकल के यहाँ ख़राब कर देगा। आप इसे खोलना भी चाहें तो आप इसे रिवर्स करके आप इसे खोल भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर खुल भी गया, काफ़ी हीट हो चुका है स्क्रू। और अगर हम बात करें कि तीनों मशीन में से कौन सा अगर लेना चाहिए आपको, अगर आप स्क्रू के लिए लेना चाहते हैं प्लस साथ में हल्की फुल्की ड्रिलिंग भी हो जाए तो उसके लिए ये काफ़ी बेस्ट है, आप ले सकते हैं। प्लास्टिक, मेटल और भी कोई भी स्टील वगैरह सब चीज़ भी ये होल कर देगा। कंक्रीट में भी हल्का फुल्का, कंक्रीट में नहीं है, दीवार में हल्का सा हल्का फुल्का होल कर देगा, बिट आपकी अच्छी होनी चाहिए तब। और अगर इस मशीन की बात करें, ये वाली मशीन की, तो ये वाली मशीन भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये हैवी यूजेज के लिए है। जैसे अगर आपको कंक्रीट में यदि दीवार वगैरह में होल करना है तो ये काम कर जाएगी आपकी अच्छे से, और लकड़ी वगैरह में भी होल करना है काफ़ी ज़्यादा आपका, सिर्फ होल ही करना है बहुत ज़्यादा काम है तो ये सही है, लेकिन अगर होल करना है और स्क्रू भी टाइट करना है तो ये वाला सही है। तो आप जो चाहें इसमें से अपने मन से ले सकते हैं, मैंने सारा कुछ इस पर दिखा दिया। और इस चीज़ से स्क्रू टाइट करना बड़ा ही मुश्किल है, आप इसे कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि ये आपको चोट लगा सकता है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।